पान तो खाते होंगे। अच्छा बंगरिया माँ आओ जी ना निपन बेड़ो खवड़ाओ रातू रातू अपन बेड़ो खवड़ाओ। मजा आया। अब मैंने सुना है बंगरिया में लड़के लड़कियों को देखने के लिए आते हैं, ये बात सच है? जैसे ये आधी कमर का कटोरा है और ये पूरी कमर का कटोरा। ये लगभग कितना केजी आपने पहन रखा है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक? या 2 किलो। अच्छा जब आपका शादी होगा तो आपको गिफ्ट में यही मिलेगा घर से? अरे कितनी ऑसम है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में और मैं हूं फिलहाल मध्य प्रदेश के सबसे गरीब जिला जो कि भारत का भी सबसे गरीब जिला है अलीराजपुर जिले में और यहां पे चल रहा है एक फेस्टिवल जिसको भगोरिया फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है यहां के जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो हम भी इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और इनका कल्चर और इनका कैसे ये फेस्टिवल है कैसा ये मेला यहाँ पे ये लोग मनाते हैं तो वो सब आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अभी हम एक जगह पे आए हैं और यहाँ पे देखो चिकन को रखने के लिए इन्होंने बैम्बू से कितना अच्छा इसको बनाया हुआ है। एक अम्बा है जो कि यहाँ पे चिकन बेच रही है और इन लोगों का जो फेस्टिवल है ये भगोरिया, इसमें ये लोग चिकन खरीदते हैं और घर लेके जाते हैं और होली पे इसको खाते हैं। और क्या नाम है आपका? खुम सिंह। ये जो आप बता रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको तावे, यानी कि तवा, रोटी बनाने का। और ये जो ये है यहाँ पे कढ़ाई बोलते इसको। ओके वेरी नाइस। अभी हम मेले के बीचों बीच आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मेला स्टार्ट हो चुका है और लोग अपने लिए तरह तरीके से सामानें खरीद रहे हैं घर के लिए। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आई हुई हैं, लोग भी सज धज के अपना जो ट्रेडिशनल इनका पहनावा है वो भी पहन के आए हुए हैं, जो ये अपना ड्रेस ट्रेडिशनल आदिवासी जो ड्रेस है कोई। और यहाँ पे दोस्तों मेनकर दो ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक भील और एक भैया। होली से 7 दिन पहले ये मेला स्टार्ट होता है। 18 मार्च इस बार ये मेला स्टार्ट हुआ है और 24 मार्च तक चलेगा, पूरे 6 से 7 दिन ये मेला चलेगा। सबने अपने अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर का ड्रेस है वो पहना हुआ है और सामान खरीद रहे हैं फिलहाल। और अभी हम थोड़ी दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि और लोग हमको देखने को मिलेंगे जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह, जो इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, गहने हैं, वो सब यहाँ पे इन्होंने पहने हुए हैं। और बहुत सारी दुकानें यहाँ पे लगी पड़ी हैं। भाई हेलो हेलो, क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है छोटू? सबने एक जैसा ड्रेस पहनाया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहे। तो अभी हम मुख्य मेले में आ चुके हैं और देखिए लोग अभी उतने नहीं आए हैं क्योंकि सुबह के 10 बजे का समय हो रहा है। आइए इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? नेहा भिंडे। ओके भिलाय भिलाली भिलाली। ओके जो आपने ड्रेस पहना है, आपके जो नेकलेस वगैरह, ये हाथ पे जो आपने कड़े वगैरह लगाए, इनको क्या बोलते हैं यहाँ के लोकल भाषा में? इनको ये जो हाथ में पहने इनको बोलते हैं। अच्छा और ये जो गले में है? ये हार है, हार। ओके और ये ऊपर वाला? ये नॉर्मल हार है। अच्छा ओके और ये वाला? ये आधी कमर का कटोरा है और ये पूरी कमर का कटोरा। तो मतलब जब ये मेला होता तभी पहनते हो या शादी ब्याह में आप किस तरीके से पहनते हो? ऐसे ही मेले में पहनते, भगोरे हाट में पहनते और शादी ब्याह में कोई सा भी फंक्शन होता उसमें पहनते। और अगर मतलब यहाँ पे जो गोल्ड का हार होता है, नेकलेस होता है गोल्ड का, सोने का, हाँ। वो सब नहीं पहनते? नहीं, ये चांदी का है ना? चांदी, हाँ चांदी। अच्छा गोल्ड पसंद नहीं है आप लोगों को? नहीं पसंद है लेकिन पहनते नहीं ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये लगभग कितना केजी आपने पहन रखा है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक? 2 किलो। भारी नहीं लगता? नहीं आदत है ना। बचपन से पहन रहे हो? नहीं बचपन से नहीं, अभी थोड़े 4-5 सालों से। अच्छा जब आपका शादी होगा तो आपको गिफ्ट में यही मिलेगा घर से? हाँ। जो दहेज मिलता है? हाँ। आपके यहाँ भी देते हैं दहेज? हाँ। देते हैं? हाँ। ओके और ये जो इन्होंने भी सेम ड्रेस पहना हुआ है, आपका क्या नाम है? अंजी भिंडे।
मंजू ओके आपने भी सेम ड्रेस पहन रखा है? हाँ, सेम। पढ़ाई करते हो या छोड़ दिया? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में हो? नर्सिंग कॉलेज। कॉलेज कर रहे हो, ओके, वेरी नाइस। तभी शायद आप हमसे बात कर रहे हो, वरना हम लोगों से बात करने गए थे, कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा। वो पता नहीं, हमको ऐसा सोच रहा हम दूसरी दुनिया से आए हैं। पढ़े लिखे भी शायद कम रहते हैं यहाँ पे, है ना? पढ़े लिखे कम रहते हैं। हम उत्तराखंड से आए हैं, बहुत दूर से, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, केदारनाथ। केदारनाथ सुना है? हम वहीं से आए आप लोगों का मेला घूमने के लिए। क्या आपका कल्चर है, क्या आपका पहनावा है, वो सब दुनिया को बताने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, क्या नाम है आपका? रजनी वर्मा। ओ, यहीं के हो? नहीं, सेंद्रा से आए। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र है। ओके, ये इसको घुमाओ ना। भारत की नारी किसी से कम थोड़ी है। कितने रुपए का है? दीदी खिला देगी आपको? तुम खा लो, मैं तो नहीं खाता। हाँ, मैं पैसे दे दूंगा, ले लो। तो दोस्तों, अभी जिनके घर पे हम रुके थे, वो सरपंच जी के जो डॉटर लोग हैं, वो आए हैं। दीदी, ये लीजिए, हमारी तरफ से गोला खाइए। या वेलकम। आप लोग बहुत लेट में आए, सुबह क्यों नहीं आए? सुबह हमने देखा था, हमको देखा जाते हुए। तो ये भाई साहब, ये है, नमस्ते जी। ये मम्मी है आपका? अच्छा, सरपंच जी आप ही हो? ओके, नमस्ते। हमको कल मालूम नहीं था, कल जब हम आए थे आप घर पे नहीं थे। ये आपका गांव का मेला एक्सप्लोर करने के लिए हम उत्तराखंड से आए, केदारनाथ से। हाँ, उसके हाँ यही है। हाँ, कैसे लग रहा है बर्फ का गोला? दोस्तों, अभी मैं मेले में कुछ लोगों से मिला हूँ, इनके ड्रेस के बारे में इनसे पूछते हैं। आइए, इसको क्या बोलते हैं? तंदूरा। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 12th में। और इतना शर्मा क्यों रहे हो? कोई अलग सिलेबस पढ़ रहे हो स्कूल में? पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस चलता है, शर्माओ मत, आगे बढ़ो। इंडिया से बाहर जाना है, इंटरनेशनल में जाना है, शर्माओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हो आप लोग? भील से या बिलैया से? बिलाला। ओके, क्या नाम बताया आपने अपना? सुमित्रा। सुमित्रा, और आपका? पारी। क्या बोला? पारी। पारी, ठीक है। दोनों 12th क्लास में हो? है। अच्छे से पढ़ाई करते हो? ठीक है, ठीक है। चलो, कैसा लग रहा है मेला? हर साल आते हो? हाँ, हम तो पहली बार आए हैं। हाँ, हर साल आते हैं। और हम गुटखा भी खाते हो? नहीं। यहाँ पे सुना है लड़कियाँ सब गुटखा खा लेती है। नहीं खाते। हम तो गुटखा लेके आ गए थे घर से। आप लोग नहीं खाते हो? नहीं खाते। पान तो खाते होंगे? हाँ, पान तो सब खाते। पान पान होता है वो, मीठा पान सब खाते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, थैंक यू, वेलकम। दे लिया भाई, दे लिया, बात करो। अभी हम मेले में एक अम्मा के पास खड़े हुए हैं और अम्मा से थोड़ा बात बात कर रहे हैं, लेकिन अम्मा को हिंदी समझ में तो आ नहीं रही है। अम्मा की भाषा में ही अम्मा से पूछ गए, अम्मा कैसा है, ठीक है? मेला मेला अच्छा? अम्मा कुछ नहीं बोला, कुछ बोलो। अम्मा शर्मा गई है शायद, लेकिन अम्मा के साथ हम फोटो जरूर लेंगे। और अम्मा के लिए एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। तो अम्मा को मैं बोलूंगा अगली अम्मा बार को देखकर, ये भी हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ पे कोई इस तरीके से कैमरा लेके इनके सामने बात करने के लिए नहीं आया है, कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है ये लोग। हाँ, उसका कारण ये है कि भाई एक तो हिंदी भी कम आती है, ये अपना जो आदिवासी इनके पास एजुकेट नहीं है लोग, उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। अम्मा नमस्ते। नमस्ते अम्मा ने पूरा मेरा मतलब मस्त वाला बेइज्जती करा दिया। सब लोग
आस पास वाले सभी हंस रहे हैं ये अम्मा से नमस्ते करने के बाद। अम्मा नमस्ते नमस्ते, जय जोहार बोलो। जय जोहार अम्मा, जय जोहार। जय जोहार। एक्चुअली बात ये है कि सारा मसला है हिंदी का, हिंदी अगर इनको आती तो मैं अच्छे से इनसे बात कर पाता, और इंग्लिश तो भाई दूर दूर तक तो हमारी नहीं गया इनकी तो होगी। हाँ वही तो जैसा भी है ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई मेरे को, एंजॉय कर रहा हूँ। अभी दिन के 1 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखो भैया 5 रुपये में आज भी आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में आइसक्रीम मिल जाएगी, हमारे यहाँ तो 10 की मिले यहाँ 5 रुपये में। क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान। कहाँ से आए हो? कुक्षी तहसील से। एमपी में ही पढ़ते हैं? इसे रख दीजिए, बोल जाएंगे। एमपी में ही पढ़ते हैं? अच्छा, ये जिले राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मारवाड़ी सारे आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। और जनाब अभी हम और लोगों से पूछेंगे, वो लोग हमसे बात करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, शायद हम अलग ग्रह से आए हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री केदार, जय राम राम। ओके राम राम, समझ जाते हैं भाई, नमस्ते नहीं समझते यहाँ के लोग। आइए कुछ और बात करते। हेलो हेलो, हिंदी आता है? नहीं आता है, नहीं करेंगे। अभी किसी और के पास चलते हैं, बात करते हैं, कोई हर ग्रुप पकड़ते हैं जिनको हिंदी में आता है बात करना। क्योंकि क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, हम जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं कि आइए इधर बात करते हैं। आइए हेलो, किसके पास चले? आइए ना इधर बताओ। राम राम, हिंदी आता है? हाँ। क्या नाम है आपका? दितला। यहीं के हो? हाँ, बोकड़िया का है। ओके, चांदपुर के पास ही? हाँ पास में। ओके ओके, ये मेला कैसा भर रहा? बढ़िया बढ़िया लगता है? हाँ बढ़िया लगता है, साल में हर साल आता है? हर साल, हर साल मजा, पूरा मजा की वार ने ताऊ बढ़िया आदमी मिल गए, और ताऊ के जैसे एक दो और हम यहाँ पे ढूंढेंगे, लोगों से बात कर रहे हैं, मजा हमको भी आ रहा है। एक भाई हमको यहाँ पे मिला, क्या नाम भाई तुम्हें? राजीव बेड़ा। राजीव बेड़ा, कितना उम्र है? 20-21। 20-21, तो ब्याह नहीं हुआ अभी? अभी नहीं किया है। मैं तो मैंने सुना है भगोरिया में ब्याह कर बहुत मजा आती है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे लड़का भी नहीं है, मैं दूसरा गाँव का है। अच्छा अच्छा, जिला भी मेरा दूसरा पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? सिंगिंग करता हूँ मैं, कलाकार हूँ। एक गाना सुना दीजिए ना, पूरा इंडिया पे। बंगरिया माँ आओ जी नानी पन बेड़ो खवड़ाओ, रातो रातो पन बेड़ो खवड़ाओ। ये आदिवासी सॉन्ग है? हमारा ऐसे लगता है। दूसरा राजू मेड़ा सिंगर आमकोटा, मेरा गांव है आमकोटा। अच्छा, कल वहाँ भगोरिया हुआ था? अब मैंने सुना है भगोरिया में लड़के लड़कियों को देखने के लिए आते हैं, ये बात सच है? जैसे यहाँ पे सब लोग फोटो खींच रहे हैं, और एक फोटो का 1 रुपया है। इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो ड्रेस पहना है उसके साथ साथ ये लोग फोटो खींच रहे हैं। दीदी क्या बेच रहे हो आप? खुद बनाया? आपने खुद बनाया? बढ़िया है। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, घर लेके नहीं जा सकता। देखिए भाई साहब, इन्होंने कुछ इस प्रकार से झाड़ू भी बना रखे हैं, ये बहुत सारे टोकरियाँ हैं इनके पास। इसको क्या बोलते हैं? इसको इसमें आना साफ करते हैं, गेहूं वगैरह। और ये आपने इस पे कलर बोलते हैं? इसको सुपड़ा, सुपड़ा सुपड़ा बोलते हैं। इस पे कलर किया है आपने? हाँ कलर किया है। कुछ किया? कलर किया। मैंने झाड़ू कचरा साफ करते हैं। कचरा? अच्छा, ले बढ़िया है, कलर लगा रखा। और ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज है? ये आपके आदिवासी में पहले से ही? कौन से आदिवासी से बिलोंग करते हो? मतलब भिलाले, भीले। अच्छा अच्छा, दोनों में यूज होता है, भील और भिलाए में, दोनों में? ये 3000 में बिकती। कितने का? 3000 की। ओ भाई गॉड। और इसको बनाने में कितना दिन लगता है? इसको बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ओ, इसीलिए मैं अच्छा बनाने वाला हूं तो इसको आधे दिन में बना लेते। ये बेम्बू बांस से बना हुआ है? क्या बोलते हैं इसको? पार्टी बोलते हैं। पार्टी दूल्हे की। अच्छा, तो भाई साहब लगभग 3 बजे का टाइम हो गया है, और अभी मेला इन्होंने बंद कर दिया भाई। ये पान वाले भी अब लास्ट में पान खिला रहे हैं, देखो पान वाले भी अब पानों की दुकान। ले भाई खिलाओ खिलाओ खिलाओ।
और बाकी सब लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।